नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। अभी की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बवाल शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के शिवसेना के बड़े कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों को अपने पाले में करके और गुजरात के सूरत में ली मेरेडियन होटल में अपना डेरा जमा दिया है, जिसके बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खेमे में हलचल मच गई है। शिवसेना के तमाम नेताओं की बैठक बुलाई गई। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें तमाम सांसदों को भी बुलाया गया था। लेकिन बड़ी खबर ये है कि उस बैठक में शिवसेना के महज 19-20 विधायक ही उद्धव ठाकरे के बैठक में शामिल हुए। उद्धव ठाकरे के बैठक में सिर्फ और सिर्फ 19-20 विधायक ही उपस्थित हुए। इसका मतलब ये है कि क्या शिवसेना के जो 54 विधायक हैं, पहले 55 थे, एक विधायक की मृत्यु हो गई जिसके बाद 54 विधायक रह गए हैं, ऐसे में क्या शिवसेना के जो 55-54 विधायक थे उनमें से 29 विधायक ही अगर यहां पे आए हैं, तो क्या बाकी के 35 विधायक, जो कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उनके पाले में 35 विधायकों का सपोर्ट है, तो क्या ये 35 विधायक शिवसेना के जो विधायक हैं ये एकनाथ शिंदे के सपोर्टर हैं और एकनाथ शिंदे के साथ में हैं? उद्धव ठाकरे इस बारे में या उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता इस बारे में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट करके कहा है, ट्वीट में साफ कहा है कि शिवसेना का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं भटक गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो बाला साहब ठाकरे के असली शिवसैनिक हैं, असली कार्यकर्ता हैं और जो हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अर्थात पिछले कुछ वर्षों से उद्धव ठाकरे जिस प्रकार से हिंदुत्ववादी विचारधारा के विरोधी खेमे के साथ सत्ता के लालच में आकर सत्ता पर काबिज हुए हैं और एक के बाद एक हिंदू विरोधी काम महाराष्ट्र में हो रहा है, जिस प्रकार से हनुमान चालीसा पाठ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनके घरों को तोड़ा जाता है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हो रहा है, कई ऐसे काम हुए, साधु संतों पर हमला हुआ, इन सब के बाद किस कई बार जो देश के नेतृत्व की सरकार मोदी जी की सरकार है उसके अच्छे कार्यों का विरोध किया गया शिवसेना के द्वारा, इन सभी को देखते हुए कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने शिवसैनिकों में ये संदेश देने की कोशिश की है कि हिंदुत्व विरोधी खेमे के खिलाफ उन्होंने अपना आवाज़ बुलंद किया है और असली शिवसैनिक होने का दावा किया है। एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि असली शिवसैनिक वो हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे और संजय रावत का जो खेमा है, जो लोभ में आकर, कुछ स्वार्थ के बस सत्ता के लोभ में आकर कांग्रेस के साथ मिलकर वहां पे सत्ता चला रहे हैं और हिंदुत्व विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं, यही कारण है कि शिवसेना के तमाम विधायक नाराज होके कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में आ गए हैं? एकनाथ शिंदे भी यही बात अपने ट्विटर के जरिए कहने की कोशिश की है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि सूरत में जो ली मेरेडियन होटल है वहां पे क्या हो रहा है। वहां पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी भी महाराष्ट्र नंबर के गाड़ी को उस इलाके में आने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं अगर बात करें विधायकों की कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में कितने विधायक इस होटल में हैं, तो हमारे सूत्र बताते हैं कि इस होटल में अभी करीब 24-25 विधायक इस होटल में हैं। ये जो सूरत का ली मेरेडियन होटल है, ये जो देख रहे हैं आप, इस होटल में 24-25 विधायक अभी हैं, जिनमें शायद 18 के करीब शिवसैनिक विधायक हैं और कुछ निर्दलीय विधायक हैं। इसके अलावा जो बाकी के 10 विधायक बता रहे हैं, 35 विधायकों का जो गैप है वो भी महाराष्ट्र में ही है और कुछ विधायक महाराष्ट्र से सूरत आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें बॉर्डर पर आने नहीं दिया जा रहा है और महाराष्ट्र पुलिस ने, महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव ठाकरे की सरकार ने उन पर पाबंदी लगा दी है कि कोई भी विधायक महाराष्ट्र छोड़कर ना जाने पाए। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में ही रहकर
कुछ ऐसे विधायक हैं जो वाच कर रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि पाला किसका भारी हो रहा है और जो ये विद्रोह है, ये विद्रोह सक्सेस होगा या नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले वर्ष आपने देखा होगा राजस्थान में हुआ था, सचिन पायलट ने विरोध किया था, विद्रोह किया था, लेकिन वो विद्रोह सफल नहीं हुआ था और वापस कहीं ना कहीं सचिन पायलट को कांग्रेस में ही आना पड़ा था। तो कुछ ऐसे विधायक हैं महाराष्ट्र में भी, शिवसेना के ऐसे विधायक हैं जो वाच कर रहे हैं और वो वाच करते हुए ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि विद्रोह करें या ना करें, पाला बदलें या ना बदलें। जब उन्हें लगेगा कि हाँ ये जो एकनाथ शिंदे का पाला है वो मजबूत है, उसके सपोर्ट में पूरा शिवसैनिक है, शिवसेना के कार्यकर्ता है, तब वो विधायक भी खुलकर सामने आ जाएंगे और वो उद्धव ठाकरे का विरोध करने लगेंगे। ये वो लोग वाच कर रहे हैं। वहीं आपको ये भी याद होगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के सरकार को गिराकर और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी और वहां पे शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिसमें बड़ा भूमिका निभाया था वो वहां माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी वहां पर और उसी कारण से मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। वहीं ये भी याद होगा आपको कर्नाटका में, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका में थे और कर्नाटका में अब से करीब 3 वर्ष पहले ऐसा ही कुछ हुआ था जब कुमार स्वामी की सरकार को अपना सत्ता गंवानी पड़ी थी और तब उस वक्त बीजेपी ने वहां पर येदियुरप्पा को अपना मुख्यमंत्री बनाया था और बीजेपी की सरकार बन गई थी। ये 2 बड़ी कामयाबी बीजेपी को मिली, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकार को गिराकर बीजेपी की सरकार बनाने में 2 कामयाबी मिली। वहीं राजस्थान में उन्हें नाकामी भी मिली थी। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र में चल रहा है, इसमें स्पष्ट लग रहा है कि बीजेपी के सपोर्ट से महाराष्ट्र में सरकार बनना अब तय है। महाराष्ट्र की सरकार अब बीजेपी के सपोर्ट से बनने वाली है, इसका बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है। क्योंकि हम आपको वहां का गणित बता देते हैं कि महाराष्ट्र में क्या गणित है, वहां का क्या बहुमत का आंकड़ा कहता है। आपको बता दें कि बीजेपी के पास वहां पे 106 विधायक हैं, शिवसेना के पास 55 विधायक थे, हैं नहीं, अब 19-20 विधायक रह गए हैं। एनसीपी के पास 52 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं और महाराष्ट्र में कुल विधायकों की संख्या इस वक्त 288 है। ऐसे में 145 चाहिए विधायक, जादुई आंकड़ा, सरकार बनाने के लिए, बहुमत के लिए 145 विधायक चाहिए होगा। तो क्या जो ये 35 विधायक जो कि गायब हैं, अगर एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं हमारे पक्ष में ये विधायक हैं, अगर 35 छोड़िए 20-25 विधायक भी अगर बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं तो बीजेपी वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी और खास तौर पे उद्धव ठाकरे को अगर बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल कह देते हैं तो बहुमत साबित करने में वो नाकामयाब होंगे, बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, तब जाके बीजेपी सरकार बनाने का दावा करेगी और बीजेपी निर्दलीय विधायकों के सपोर्ट से 20-25 अगर एकनाथ शिंदे के साथ शिवसैनिक आ जाते हैं और जो करीब 16-17 निर्दलीय विधायक हैं उनमें से 10-12 भी आ जाते हैं तब भी बीजेपी बहुमत साबित करने में सफल हो जाएगी और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आसानी से बन जाएगी। क्योंकि ये पूरा पाला ऐसे ही नहीं बना है, वहाँ पे पिछले दिनों राज्यसभा का चुनाव हुआ था जिसमें शिवसेना के एक उम्मीदवार हार गए थे, वहीं से स्पष्ट हो रहा था कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है और शिवसेना में बड़ा टूट हो सकता है। आज स्पष्ट हो गया कि ये टूट और कोई नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के करीबी, बाला साहब ठाकरे के करीबी, आप स्पष्ट मान लें कि उद्धव ठाकरे के बाद अगर कोई बड़ा नेता था तो एकनाथ शिंदे शिवसेना का बड़ा नेता था, जो कि अब अलग हो गए हैं और माना जा रहा है कि वो अपना एक अलग धरा बनाएंगे, असली शिवसेना का दावा करेंगे। लेकिन असली शिवसेना कोई भी हो, लेकिन शिवसेना में अब चुनाव आयोग द्वारा एक फार्म कर दिया जाएगा, 2 पार्ट में शिवसेना बढ़ जाएगा और शिवसेना के नाम से ही कोई अलग नाम देके एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी बना सकते हैं।
ये तो कानूनी दावपेच है, लेकिन कानूनी दावपेच के अलावा जो महाराष्ट्र का गणित है, महाराष्ट्र के गणित के हिसाब से स्पष्ट है कि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे चंद दिनों के मेहमान बन गए हैं। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ, और भी ऐसे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।